बहुत सारा ऐसे योजना होते जो ज्यादातर कागज में ही सिमट के रह जाते। हमन बात करबो नल जल योजना के। कोरिया जिला के विकासखंड भरतपुर के ग्राम पंचायत भगवानपुर में नल जल योजना पूरा तरीका ले फेल नजर आवत है। डोंगरी टोला में करीब 2 बच्छर हो गए नल जल योजना के पानी टंकी बने, फिर ग्रामीण मन ला एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ थे। ग्रामीण मन के कहना है कि पहली वो जगह में हैंडपंप लगे रही से जहां ले पानी की निस्तारी होत रही से, बाद में पानी की सुविधा खातिर नल जल योजना के विस्तार करे बर हैंडपंप हटा दिए गए। भारी भरकम पैसा खर्चा होए के बाद भी नल चालू नहीं हुई, जगह चलत पिए बर पानी लेहे बर दूरिया जायला पड़ते। ग्रामीण मन के कहना है कि ये समस्या की शिकायत कई बार पंचायत से लेके पीएचई विभाग में दिए जा चुके हैं, फिर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। ये बात मा जब पंचायत के जन प्रतिनिधि ले पूछे गए तो ओ मन ला पीएचई विभाग के लापरवाही बता दीन। लिहाजा ये समस्या ला देखत हुए हमर सहयोगी पीएचई विभाग के ऑफिस पहुंची तो वहां भी ताला लटके मिलिस। अब देखे वाला बात ये होगी कि ये खबर दिखा जाए के बाद प्रशासन हा कौन तरह के कदम उठाते। इसका समस्या यह है कि 2 साल से बने हुई गए हैं, आज तक पानी नहीं मिले आए न निकाले आए। हैंडपम्प लगे रही वहू के निकाल के ले गए, उस वहू के बंद कर दें तो हम लोग पानी बिना परेशान रहते हैं, दूर जाना रहा थे पानी ले नहीं। कहाँ चला दाव चला तो फिर हम कहते ही उका दें चला लागे काहे सेठ की बनाए हैं नहीं चला पानी होनी कुछ तो कब से नहीं मिले है पानी हम। अरे लगवा गए तब लिए चलता है नहीं आए तो वही काहे बनाए हमारे सेठ के लड़का चढ़ा तू तरह एक ठे दाए हुई। अरे साहब ये नल जल योजना के लिए आपके प्राथमिक स्तर पे भाई हम सरपंच को सूचना दिए, सचिव को सूचित किए। सरपंच सचिव का कहना था कि आपका पीएचई विभाग इसको देखेगा, फिर अपन लोग पूरे ग्रामीण लगभग नहीं तो सभी यहाँ पास के आसपास पूरा सिग्नेचर करके आप हम आपके पीएचई विभाग के एसडीओ चंदेल साहब को दिए। वहाँ से हमको आश्वासन मिला कि बस हफ्ते भर के अंदर आपका ये ठीक हो जाएगा। हफ्ते भर ये आपका गर्मी का बात है, गर्मी में विशेष पानी का संकट होता है लोगों को, तो अपन लोग गर्मी में दिए थे। गर्मी में दिए तो पीएचई से इनका बोले कि भाई तुरंत एक सप्ताह के अंदर निराकरण हो जाएगा अपन, लेकिन ये गर्मी के बाद ये बरसात आ गया। बरसात में लोग मतलब कहना चाहिए तो यहाँ पास पानी का इतना किल्लत है तब भी, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं, बस आश्वासन पे आश्वासन हो जाए। समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए।